पहली बात करनी है कि ये जो फिलिपाइंस को आप जो ब्रह्मोस भेज रहे हैं, दिस इज अ इंडियन रशियन प्रोजेक्ट, जो ये इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करनी है। और दूसरा जो सुना नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं और बीजेपी का बड़ा प्लान है कि हम जरा नेपाल के साथ अपनी थोड़ी सी जो है ना वो एक अग्रेसिव सुने मामलात कर रहे हैं, और तीसरा जो इंडिया पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इंडिया में कैसे। और सीमा, और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ स्माइलिंग फेस है सुमित पीर साहब, बड़े जबरदस्त इंडियन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, आप इनको इंडियन मीडिया पे अक्सर देखते रहते हैं। सुमित भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। हाँ, वेरी काइंड ऑफ यू। सुमित भाई आज आपसे तीन बातें करनी है। पहली बात करनी है कि ये जो फिलिपाइंस को आप जो ब्रह्मोस भेज रहे हैं, दिस इज अ इंडियन रशियन प्रोजेक्ट, जो ये इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करनी है। और दूसरा जो सुना नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं और बीजेपी का बड़ा प्लान है कि हम जरा नेपाल के साथ अपनी थोड़ी सी जो है ना वो एक अग्रेसिव सुने मामलात कर रहे हैं। और तीसरा जो इंडिया पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इंडिया में कैसे रिसीव की जा रही है। सो सुमित जी भाई सबसे पहले कहें ये बताइएगा, हाउ डू यू सी कि ये 350 मिलियन डॉलर का जो आपने असला बेच रहे हैं नेपाल, उसको फिलिपाइंस को, व्हाट डज ये क्या बेसिकली है क्या? और इंडिया जो है वो क्या चाइना का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, या आप समझ रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी इन कंपटीशन विद द चाइनीज के आप जो है वो असला बेच रहे हैं, एक तरफ आप असला खरीद रहे हैं दूसरी तरफ असला बेच रहे हैं, व्हाट इज दिस माइंडसेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? देखिए चीमा साहब, हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है, चाइना ने अनप्रोवोक्ड फिलीपींस का एक फिशिंग बोट डुबाया था साउथ चाइना सी में। चाइना का तो एक वाहिद कंट्री है, 10-12 कंट्रियों के साथ बॉर्डर लगता है, पर बॉर्डर डिस्प्यूट 24 कंट्रियों के साथ है। उनके उनके तो चीमा साहब सीधी सी बात है, मेरी दद्दी मरहूम के सपने में आया था, तेरा घर मेरा इसलिए आधा मेरा, ये वो उस लॉजिक पे चलते, कहते ताजिकिस्तान 45% हमारा, पामेर वैली खा गई, इतना सा चाइना था फूल फूल के इतना हो गया। लैंड ग्रैबिंग हैज बीन देयर यूएसपी। आप तिब्बत की बात करें, आप कहीं की भी बात करें, जापान के आईलैंड हो, फिलीपींस की, वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, इंडिया हो, किसी के साथ भी उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहता भाई ये जमीन मेरी है, दद्दी जान मरहूम के ख्वाब में आया था, अब इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं है। अब हुआ क्या कि जो ब्रह्मोस है ये वर्ल्ड का बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, और अब इसमें जो वर्जन है एयर टू एयर है, लैंड टू लैंड है, लैंड टू एयर है, अब सी टू सी वर्जन भी टेस्ट हुआ, ऑलमोस्ट 2.8 मैक के स्पीड पे जाता है, और नोन रेंज इज बिटवीन 300 to 800 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द वेरियंट। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो ओपन मीडिया में सबको पता है, अब उसके अलावा क्या फीचर्स डेवलप हुए मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। अब फिलीपींस का जो है, चाइनीज नेवी हैज बीन वेरी अग्रेसिव इन फिलीपींस वाटर्स, फिलीपींस के वाटर में घुसना, वहां के शिपिंग बोट्स को तंग करना, वो दादागिरी कर रहा हूँ, वो नहीं होता हमारे यहाँ कोई होता है कोई लंबा चौड़ा सा लड़का सबको भाई मैं यहाँ का दादा हूं। अब ब्रह्मोस मिलने के कारण क्या हुआ है कि चाइनीज का कोई भी एसेट, मार्क माय वर्ड्स, कोई भी एसेट इज नॉट सेफ ऑन द सी। अगर फिलीपींस चाहे, इफ दे यूज ब्रह्मोस, ब्रह्मोस इज लाइक, ब्रह्मोस का जो नाम है दैट इज टेकन फ्रॉम ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है जिसका कोई काट नहीं है, वंस इट इज फायर्ड इट कैन डिस्ट्रॉय अ शिप, इट कैन डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट कैरियर, इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग व्हिच कम्स इन इट्स वे, और इसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट मुश्किल है, रडार इसको देख नहीं पाते। अब 324 मिलियन की डील के दो सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस है चीमा साहब कि इट्स ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन डॉलर ऑफ डील, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का डील हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है वी हैव फ्रॉम डिफेंस इंपोर्टर ऑफ वेपन्स वी हैव टू बिकम एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स, एक उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ब्रह्मोस की डिमांड करीब करीब 12-13 कंट्रियों से आई है, बट वी आर ओनली गिविंग टू फ्रेंडली कंट्रीज एंड स्ट्रेटजिक कंट्रीज। हाँ, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, फिलीपींस को देने का मतलब है स्ट्रेटजिक कंट्री को देना, फिलीपींस में ब्रह्मोस होने का मतलब है कि आपने चाइना की प्रॉब्लम उसके डोर स्टेप तक ला दी, फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का मतलब है ट्रबल कैन कम इन टू साउथ चाइना सी फॉर चाइना, और अगर साउथ चाइना सी उनका ब्लॉक होता दैट इज देयर ओनली सी, और सारा ट्रेड वहां से जाता, सारा कॉमर्स वहां से जाता, सारी एनर्जी सप्लाईज वहां से आती है। तो ये एक बोल्ड जियो पोलिटिकल मूव है चीमा साहब, ये करने की हिम्मत बहुत से हुक्मरान, बहुत से प्रधानमंत्री, बहुत से प्रेसिडेंट नहीं करते, पर मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया, और आपने देखा होगा ये कोई छुपाया नहीं है इसके बारे में, ट्विटर पे आया ब्रह्मोस कॉरपोरेशन ने डाल दिया भाई 324 मिलियन डॉलर की डील है। अब लास्ट टाइम आपको याद हो, लास्ट ईयर जब हम खड़े हुए थे चाइना के अगेंस्ट, तो मैंने ये बोला था, मैंने नेशनल टीवी पे भी बोल चुका हूँ, देखिए अगर आप खड़े होंगे तो आपके पीछे दुनिया खड़ी होती जाएगी, वो कहावत है ना, हम अकेले चले लोग मिलते गए कारवां बनता गया,
बात हुई, आप आज चाइना के सामने खड़े, तो ये फिलीपींस में भी हिम्मत आ रही, जापान भी कह रहा तेरे वो नहीं है, युगांडा भी कह रहा, 50 और कंट्रीज कह रही, ये जो चाइना का अननेसेसरी एग्रेशन है, टेरिटोरियल एग्रेशन है, कल्चरल एग्रेशन है, इकोनॉमिक एग्रेशन है, अब इसमें सेंध लगी है, क्योंकि ये डील खुले आम सबको बताते हुए दिखाते हुए डिटेल्स के साथ किए, कोई इसमें मतलब चाहते तो आप उनको 20-30 मिसाइल तो कहीं से भी पहुंचा सकते थे, वो नहीं, बिल्कुल दिखा के बेच के किया है। पीओ की कॉपी मैंने भी अपने ट्विटर पे डाली थी, मेरे को आपको याद है, आपने भी देखा होगा, काफी वो कॉपी घूम रही है। तो एक बहुत एग्रेसिव स्टैंड है हमारा चाइना के अगेंस्ट, बहुत एग्रेसिव स्टैंड है भाई, अगर आप ये हमाकतों से बाज नहीं आओगे, जो आपके प्रतिस्पंदी है, जिन्हें व्हाट यू कॉल दिस, जो आपके होस्टाइल स्टेट है वेयर योर प्रॉब्लम, वी विल गो आउट एंड हेल्प देम। और मैं ये भी मानता हूँ बहुत जल्दी ये डील वियतनाम के साथ भी होगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम,